किसान भाइयों नमस्कार। बात करते हैं आज सभी मंडियों के आलू के भाव के बारे में, क्योंकि किसान साथियों आज 12 दिसंबर 2020 हो चुका है, तो आज सभी मंडियों में क्या माहौल देखने को मिला है, तो बात करते हैं सभी मंडियों के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस मंडी में क्या रेट देखने को मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों में, जहाँ पर शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर मंडी में 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज रेट देखने को है आलू का। वहीं पर जालौन में किसान साथियों 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, पीलीभीत में 1883 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, वहीं पर अयोध्या मंडी में 2065 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और अलीगढ़ मंडी में 1993 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बिका। वहीं पर आगरा मंडी में 2020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, आजमगढ़ में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका, इटावा मंडी में 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज भाव रहा। वहीं पर किसान साथियों एटा मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और कानपुर मंडी में 2057 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज भाव रहा। किसान साथियों बात करते हैं फरुखाबाद मंडी के, यहाँ पर 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति एक पैकेट के हिसाब से आज भाव रहा। फरुखाबाद मंडी में जो आलू होता है वो पैकेट के हिसाब से बिकता है किसान साथियों। अब बात करते हैं मथुरा मंडी में, मथुरा में 2027 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज भाव देखने को मिला। वहीं पर जौनपुर में किसान साथियों 2048 रुपए आज भाव देखने को मिला। प्रतापगढ़ में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज भाव देखने को मिला। प्रयागराज में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, बलिया में 2062 रुपए, वहीं पर बस्ती में 2085 रुपए, बांद्रा में किसान साथियों 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और बरेली में किसान साथियों 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आज भाव देखने को मिला। किसान साथियों आज है 12 दिसंबर 2020, तो ये फाइनल अपडेट, मेरे पास जितनी मंडियों की अपडेट आई है मैंने सारी मंडियों की अपडेट आपको इस वीडियो में अवगत कराई है।